गुड मॉर्निंग सिक्स्थ क्लास स्टूडेंट, आज साइंस की क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 द नेचर ऑफ मैटर का टॉपिक लिक्विड के बारे में आपको समझाएंगे। क्या है लिक्विड? द मैटर दैट हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप इज कॉल्ड लिक्विड। ऐसा मैटर जिसकी वॉल्यूम कैसी रहती है? डेफिनेट रहती है, लेकिन उसका शेप डेफिनेट नहीं रहता, तो वो क्या कहलाता है? लिक्विड कहलाता है। द पोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड इज नॉट फिक्स। और जो मॉलिक्यूल्स की पोजिशन रहती है लिक्विड में, वो फिक्स नहीं रहती है। इन अ लिक्विड द इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस इज मोर देन सॉलिड। लिक्विड में जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस रहता है, वो क्या रहता है? ज़्यादा रहता है। दे डू नॉट अट्रैक्ट ईच अदर सो स्ट्रांगली। वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते। द मॉलिक्यूल कैन मूव अराउंड इन लिक्विड। और मॉलिक्यूल क्या करते हैं? लिक्विड के अंदर मूव करते रहते हैं। देयरफॉर द लिक्विड्स हैव नो डेफिनेट शेप। इसी के कारण लिक्विड का शेप जो है वो डेफिनेट नहीं होता। द लिक्विड पोर इन द वेसल एक्वायर द शेप ऑफ वेसल। जैसे ही लिक्विड को आप किसी बर्तन में डालोगे, तो वो कैसा हो जाएगा? उस बर्तन के शेप का हो जाएगा। नेक्स्ट आता है गैस। द मैटर दैट हैज़ नो डेफिनेट वॉल्यूम और शेप इज़ कॉल्ड गैस। ऐसा मैटर जिसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम और शेप नहीं होता, वो क्या कहलाता है? गैस कहलाता है। इन गैसेस में द मॉलिक्यूल्स आर सो फार अपार्ट दैट देयर इज़ हार्डली एनी इंट्रैक्शन अमंग देम। गैसेस क्या रहते हैं? उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर रहते हैं, तो उसमें हार्डली अट्रैक्शन जो रहता है उसके बीच में पाया जाता है। देयरफॉर दे मूव अराउंड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इसी के कारण वो कैसे रहते हैं? इंडिपेंडेंट रहते हैं। हैंस अ गैस हैज़ नो फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। इसी प्रकार गैस का ना तो कोई शेप फिक्स रहता है, ना वॉल्यूम फिक्स रहता है। अ लिक्विड हैज़ गैस मैटर इज कॉल्ड फ्लड बिकॉज इट हैज़ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोइंग। लिक्विड एक गैस मैटर है जो फ्लड है। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है? फ्लोइंग की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट आता है कंपेरेटिव स्टडी ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस। अब किस प्रकार सॉलिड लिक्विड और गैस को इसमें कंपेयर किया गया है? सॉलिड लिक्विड गैस फर्स्ट हैज़ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड का शेप कैसा रहता है? डेफिनेट रहता है, और वॉल्यूम भी इसका डेफिनेट रहता है। लिक्विड हैज़ नो डेफिनेट शेप बट हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम। इसका शेप तो डेफिनेट नहीं रहता, लेकिन इसकी वॉल्यूम कैसी रहती है? डेफिनेट रहती है। गैस हैज़ नाइदर एनी डेफिनेट शेप नॉर एनी वॉल्यूम। ना तो इसका कोई डेफिनेट शेप होता है, ना ही इसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है। सेकेंड कैन बी कंप्रेस ईजिली। इसको हम कंप्रेस आसानी से कर सकते हैं। कैन बी कंप्रेस मोर देन सॉलिड। और ज़्यादा सॉलिड के अकॉर्डिंग और ज़्यादा इसको हम आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। कैन बी कंप्रेस ईजिली, और इसको तो बिना किसी कारण के हम आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। थर्ड हैज़ इट्स ओन सरफेस। इसकी खुद की सरफेस होती है। हैज़ इट्स ओन सरफेस, इसकी भी खुद की सरफेस होती है। हैज़ नो सरफेस, लेकिन इसकी कोई सरफेस नहीं होती। गैस की कोई सरफेस नहीं होती। फोर्थ सॉलिड एक्सपांड लेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। सॉलिड टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है? एक्सपांड हो जा कम एक्सपांड होते हैं। एक्सपांड मोर देन सॉलिड ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। और ज़्यादा अगर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो लिक्विड जो क्या रहता है, वो सॉलिड में एक्सपांड हो जाता है। एक्सपांड मोर एंड इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ये भी टेम्परेचर बढ़ाने पर एक्सपांड हो जाता है। फिफ्थ मॉलिक्यूल अट्रैक्ट ईच अदर वेरी स्ट्रांगली बिकॉज दे हैव वेरी क्लोज टू ईच अदर। मॉलिक्यूल क्या करते हैं? एक दूसरे को आसानी से क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते, आकर्षित करते। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे से कैसे रहते हैं? बिल्कुल जुड़े हुए रहते हैं। मॉलिक्यूल डू नॉट अट्रैक्ट ईच अदर सो स्ट्रांगली एज इन सॉलिड। मॉलिक्यूल जो रहते हैं सॉलिड के, वो एक दूसरे से ज़्यादा ऐसे कनेक्टेड नहीं रहते, तो वो एक दूसरे को ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट भी नहीं करते हैं। हार्डली एनी अट्रैक्शन एंड अमंग द मॉलिक्यूल्स। इसमें मतलब मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं, इसमें उनका इतना अट्रैक्शन नहीं होता। डिफ्यूज़न इन सॉलिड इज़ द लीस्ट। इसमें क्या होता है? सॉलिड में डिफ्यूज़न मतलब होता ही नहीं है। सॉलिड में डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़न इज़ मोर देन अ सॉलिड। सॉलिड से तो इसमें डिफ्यूज़न क्या रहता है? ज़्यादा रहता है। डिफ्यूज़न इज़ मोस्ट, और इसमें तो डिफ्यूज़न ही इस जो रहता है वो ज़्यादा रहता है। किस में? गैस में। और गैस से कम किस में रहता है? लिक्विड में। और सॉलिड में तो रहता ही नहीं है। सिक्स्थ क्लास स्टूडेंट, आपके आज की साइंस की क्लास यहीं पर फिनिश हुई। नेक्स्ट क्लास में हम आपको स्टेट चेंज के बारे में समझाएंगे। अगर किसी भी बच्चे का ये चैप्टर स्टार्टिंग से छूट गया है, या इसके पहले के चैप्टर्स छूट गए हैं, तो वो स्कूल के यूट्यूब चैनल पर उनको स्टार्टिंग से समझ सकता है।